हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आज मैं आपके सामने हरियाणवी ड्रेस लेके आई हूँ कान्हा जी की, जिसके बीच में धोती और साफा है, क्योंकि ये हरियाणा में डाली जाती है। और सफ़ेद रंग की धोती है, सफ़ेद रंग का ही साफा है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, इसमें कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें दो पीस लेने होंगे, फोर एंड हाफ के, जिसकी हम धोती बनाएंगे। दो पीस हैं दोस्तों, ये कॉटन की है और गर्मियों के लिए बिल्कुल सही है। दो पीस हैं दोस्तों, देखिए दोनों साइड से बिल्कुल चौरस पीस हैं। इसके लिए मैंने दो पीस ले लिए हैं। फिर मैंने इन्हें टू फोल्ड कर लिया है। टू फोल्ड करने के बाद में हम इस पर निशान लगाएंगे। देखिए दो पीस हैं दोस्तों, ये इसे मैंने टू फोल्ड कर लिया है। टू फोल्ड करने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे, 4.5 इंच का ही निशान लगाएंगे, 4.5 का ही निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहां से हम गोलाई कर देंगे इसकी। गोलाई करने के बाद इसे कट कर लेंगे और ये ऐसी शेप आएगी। इसके बाद नीचे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड कर लेना है ऐसे हमें इसे, बारीक फोल्ड कर लिया है दोस्तों हमने इसे। अब इसके बाद दोस्तों हम इसे गोटा पत्ती, पतले वाला गोटा पत्ती होती है जौन सी, उसके ऊपर ये वाली ये लगाएंगे हम। इसमें दो बार लगाएंगे दोस्तों इसे हम, एक बार यहाँ लगाएंगे और एक बार ऊपर की तरफ लगाएंगे थोड़ा गैप करके। ऐसे हम दोनों पीसेस को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, ये मेरे दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं ऐसे। अब हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इन पीस को, एक के ऊपर एक पीस रख देंगे और इसका ऊपर से हल्का सा कोना कट कर देंगे इन्हें बराबर करके, ऊपर से हल्का सा कोना कट कर देंगे। और फिर अंदर की तरफ मुंह करते हुए हम इस पे प्लेट्स डाल लेंगे ऐसे, अंदर की तरफ मुंह करके प्लेट डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी अंदर की तरफ मुंह करते हुए प्लेट डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमें धोती के दोनों पीस तैयार करने हैं, दोनों साइड की पीस तैयार कर लेंगे हम। और देखिए दोस्तों, ये अगर हम खोलेंगे तो ऐसा लुक होगा, तो ऐसे करेंगे तो देखिए धोती की शेप बन गई है। अब धोती के बीच में जो कपड़ा होता है बनाने के लिए, इससे पहले हम इसके बीच में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसे आपस में जोड़ देंगे। ये मैंने इसको जोड़ दिया है। इसके बाद धोती के बीच का कपड़ा बनाने के लिए मैंने 10 बाय 8 इंच का कपड़ा लिया है दोस्तों। मैंने 10 बाय 8 इंच का कपड़ा है। और इसे टू फोल्ड करेंगे ऐसे। और इसमें सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद में इसकी प्लेट डाल लेंगे। प्लेट एक दूसरे के ऊपर डालने हैं और हमें दिखने चाहिए प्लेट ये डले हुए। ये देखिए डल चुके हैं मेरे प्लेट। और मैंने दो बार गोटा पत्ती इसमें भी लगाया है और ऐसे मैंने इसको तैयार कर लिया है। और अब मैं इसे यहाँ पर बीच में यहाँ पर लगा दूंगी।
सिलाई कर दूंगी यहाँ पर। देखिए मेरी धोती बन चुकी है। अब हम धोती को ऊपर से माप लेंगे, तो ये मेरा लगभग 5 से 5.5 इंच के आसपास होगा। तो हम एक रेप पट्टी काट के इसे ऊपर से कवर कर देंगे, और ऊपर का टॉप पार्ट बनाने के लिए कान्हा जी का 6 बाय 2.5 इंच का कपड़ा लेंगे। 2 पीस लेने हैं दोस्तों हमें। इसके बाद हमें इसे यहाँ से सिलाई लगा के सीधा कर लेना है, साइड में सिलाई लगा लेंगे, सीधा कर लेंगे और 2 पट्टियाँ बन जाएंगी। ये रेप पट्टी काटी है हमने ऊपर लगाने के लिए। अब रेप पट्टी लगा दी है मैंने इसमें, और यहाँ पर इसको ऐसे जॉइंट करेंगे, जिससे हमारी कान्हा जी की ड्रेस का टॉप पार्ट भी बन जाएगा। ये हमारे टॉप पार्ट का काम करेगा। ये मेरी धोती बन चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी कान्हा जी की ड्रेस पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।